1498 वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये हम किताबी पुस्तकों में पढ़ते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैंने जो 8वीं कक्षा की पुस्तक में ये पढ़ा था, पता नहीं आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन आप सोचिए कितनी घटिया बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अपने आप में ही जो है ये आप सोचेंगे तो आपको मूर्खतापूर्ण बात लगे। क्यों? क्योंकि 1498 भारत में जो है वास्को डी गामा आता है और हम ये पढ़ते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अर्थात भारत कोई गोला है, कोई टुकड़ा है या फिर कोई वस्तु है जिसकी खोज जो है कोई भी कर लेगा। उससे पहले का उसका अस्तित्व नहीं था। अरे 1000 साल पहले ही वास्को डी गामा के आने से भारत का स्वर्ण युग अर्थात गुप्त काल था, जो कि 300-400 ईस्वी में था। तो सोचिए भारत का स्वर्ण युग उससे कई हजार साल पहले का है। भारत का इतिहास करोड़ों करोड़ों हजारों वर्षों पुराना है। और ये लोग कहते हैं, विदेशी लेखक लिख देते हैं कि 1498 वास्को डी गामा भारत में आता है, उसने भारत की खोज की थी। असल में ये जो है लिखने में इतिहासकारों से गलती हुई है कि वो लिखने असल में ऐसे चाहिए था कि पहली बार कोई यूरोपीय विदेशी जो व्यक्ति है वो वास्को डी गामा था जो कि भारत में आता है, जो कि 1498 था। अर्थात उससे पहले जो है अरब देशों के लुटेरे जो भारत में आक्रमण किया करते थे और अरब देशों के व्यापारी के द्वारा ही भारत के जो मिर्च मसाले हैं वो जो यूरोपीय देशों में पहुंचते थे। तो इसी प्रकार से मिर्च मसालों की खोज ने ही जो है भारतीय उपमहाद्वीप को गुलाम बनाया। और इसी प्रकार से विदेशी जो आक्रांता है, जो यूरोपीय जो आक्रमणकारी है, स्पेनिश है, डच है, अंग्रेज है, पुर्तगाली है, ये सभी जो है भारत में आते हैं। अर्थात उपनिवेशवाद की शुरुआत, भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत जो है एक मिर्च मसालों की खोज से या व्यापार से ही शुरू हुई थी। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो बात है 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास की, जब भारत जो है दिल्ली सल्तनत में मुगलों का अर्थात क्षमा चाहेंगे तुर्कों का गुलाम था। इस प्रकार से जो है विदेशी आक्रांता भारत में लूट मचा रहे थे, भारतीय संस्कृति को जो है विश्व धरोहर के रूप में जो है नष्ट भ्रष्ट करते जा रहे थे। तो इसी समय जो है भारत के मिर्च मसालों का व्यापार जो है अरब कंट्रीज में और आगे चल के वह जो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप तक और यूरोपीय महाद्वीप तक तो पहुँचता था। तो इसका साधन होते थे जो कि थल मार्ग से होता था, इसके जो मेन जो साधन होते थे जिसकी मध्यस्थता करते थे वो थे अरब के देश के जो कंट्री के जो लोग होते थे वो। अर्थात भारतीय व्यापारी जो है अरब के व्यापारियों को जो है अपना मिर्च मसाला बेचा करते थे और उनसे जो है अरब के व्यापारी जो है यूरोपीय व्यापारियों को जो है दुगुना तिगुना मूल्य लेके जो है कई सौ गुना उन लोग मुनाफा कमाते हुए उनको बेचा करते थे। इस प्रकार से जो है भारत की मिर्च मसालों का लोकप्रियता यूरोपीय देशों में बहुत अधिक बढ़ी। लेकिन जब जो है बर्बरता कारण अरब के देशों वालों ने जो है अरब के आक्रांताओं ने जो है यूरोपीय व्यापारियों को जो है भारत के आने जाने का मार्ग अवरोध कर दिया, प्रशस्त कर दिया, और इस प्रकार से उन्होंने जो है मिर्च मसालों का व्यापार जो है यूरोपियों के साथ बंद कर दिया, भारत के जो मार्ग का जो है अवरोध पैदा कर दिया। इस प्रकार से जो है यूरोपीय व्यापारियों को जो है समुद्र मार्ग की खोज करनी पड़ी। तब जो है स्पेन की रानी जो है कोलंबस को कहती है कि जाओ तुम इंडिया की खोज करके आओ। तब वो कहती है वेस्ट दिशा में जाओ। तो इस प्रकार से वो पश्चिम दिशा में जाती है, वेस्ट इंडिया की खोज करता है। अर्थात काले काले लोग दिखते हैं उन्हें तो वो वेस्ट इंडीज नाम देते हैं, जहाँ उसको जो है खोज करता है कोलंबस। तो इस प्रकार से कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की। और वहीं जो है जब भारतीय उपमहाद्वीप की खोज की बात आई तो पुर्तगालियों में से वास्को डी गामा को जो है 1498 में जो है भारतीय उपमहाद्वीप की खोज के लिए भेजा गया। तब वो जो है पहली विदेशी या फिर पहला पुर्तगाली बनता है जो कि भारत की भूमि पर कदम रखता है और 1498 में वो जो है भारत पहुँचता है। इस प्रकार से जो है भारतीय उपमहाद्वीप का रास्ता जो है विदेशी व्यापारियों को अर्थात यूरोपीय व्यापारियों को मिलता है। और इस प्रकार से वो केवल मिर्च मसाले के लालच में, व्यापार के लालच में आते हैं। और किस प्रकार से छल कपट षड्यंत्र करके, फूट डालो राज करो करके, इस प्रकार से राजनीति करके वो भारतीय उपमहाद्वीप को सोने की चिड़िया को ही गुलाम बना लेते हैं। और मुगलों ने अर्थात तुर्की आक्रांताओं ने जो जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत ने लूट मचाई थी, जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर दिया था, उसको वो 4 गुना 100 गुना करके जो है भारतीय उपमहाद्वीप की जड़ों को तक जो है नष्ट कर देते हैं और हमें अपनी ही संस्कृति से नफरत कराते हैं, जो कि मैकॉले की घटिया शिक्षा पद्धति और आगे चल के आप जो है भूरे अंग्रेजों से देख ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इतिहास पता ही नहीं है कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप को सोने की चिड़िया से किस प्रकार से गुलाम बनाया गया और भारतीय संस्कृति को, गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहराई की बात है कि केवल एक मिर्च मसाले की लोभ में आए हुए कुछ व्यापारी भारत को जो है उपनिवेशवाद से और तोड़ते हुए भारत को ही गुलाम बनाते हैं और 200 वर्षों तक अंग्रेजों जैसे जो है लुटे भारत पर शासन करते हैं। और केवल 200 वर्ष ही नहीं, इतने घटिया गुलामी मानसिकता हमारे ऊपर थोप के चले जाते हैं जिसको आज तक हम फॉलो करते हैं। इसीलिए जो है आज जो है बच्चे इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट स्कूल में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज का शिकार होते हैं, जहाँ उन्हें सनातन धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा दी जाती, उन्हें अंग्रेजी भाषा से प्रेम किया जाता है, प्रेम सिखाया जाता है, और वही संस्कृत भाषा को पिछड़ा हुआ समझा जाता है। जबकि एक फैक्ट बताऊं आपको तो पूरे इंग्लिश वर्ड के डिक्शनरी में आपको जो है 2 लाख से अधिक शब्द नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं संस्कृत की डिक्शनरी की बात करूं, शब्दकोश की बात करूं, उसमें 100 बिलियन से ज़्यादा वर्ड हैं। आप सोच सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है। और उसी प्रकार से जो है संस्कृत जो इतनी महानतम भाषा जिसका अस्तित्व जो है इतना साल पुराना है, जिसको जो है लोग समझ नहीं पाते हैं, और आगे चल के AI जब आ रहा है उसमें प्रोग्रामिंग की भाषा में संस्कृत का ही प्रयोग किया जाने वाला है।
जो साधारण सी दिखने वाली है, जो भगवा वस्त्र धारण की साधु सन्यासी जो सनातन की जो परंपरा है उसको लोग जो है सांप सपेरे वाला देश समझ के जो है नकार देते हैं, जबकि असली भारतीय स्वर्णिम युग का जो अस्तित्व था, जो इतिहास था, उसको लोगों को पता नहीं चलता है। और इन यूरोपीय विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो लिखा गया झूठा इतिहास है उसको हम लोग मानते हैं और ये पढ़ते रहते हैं कि बिना खड़क बिना ढाल के हमें आज़ादी मिल गई, अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या आपने भी पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी, या फिर आप इससे सहमत है या असहमत है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।